अंकलेश्वर पालिका विस्तार में आजादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहक वर्तर योजना नो अमल अंगे स्पेशल जनरल बॉन्ड मीटिंग योजाई हती, जेमा 31 मार्च 2022 सुधी बाकी पड़तो वेरो करदाता भरसे तो नोटिस फी, व्याज पेनल्टी अने वॉरंट फी में 100% रकम माफ मळशे। नाणाकीय वर्ष 2022-23 में 31 मे 2022 सुधी एडवांस टैक्स भरपाई पर 10% वर्तर मळशे। पालिका द्वारा बोर्ड में पत्र की नोंद लई RCM की मंजूरी बाद अमलवारी करवामां आवशे। राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशेष आजादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहक वर्तर योजना अंगे विशेष परिपत्र जाहिर करवामां आव्यो छे, जेमां गुजरात नगरपालिका अधिनियम 1963 नी कलम 99 सबसेक्शन 1 हेठळ विविध प्रकारना करवेरा लेवानी सत्ता आधारे पालिका द्वारा मिलकतवेरो, सामान्य पाणीवेरो, खास पाणीवेरो, दीवा बत्तीवेरो, गटरवेरो जेवा वेराओ वैधानिक जोगवाईनी वसूलात करवामां आवती होय छे, जेमां अगाउ सरकार द्वारा स्वर्णिम जयंती प्रोत्साहक वर्तर योजना दाखल करी हती, जे बाद हवे आजादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहक वर्तर योजना अमल में मूकी छे, जेमां मिलकत धारको पाछली बाकी रकम समयसर भरता न होय, पालिका पाछली बाकी करवेरानी वसूलात मोटा प्रमाण में बाकी रहती होय, करदाताओं ने अगाउ वर्षोनी बाकी करवेरानी रकम भरवामां सरलता रहे, तेमज नगरपालिकाओने पण आवकमां वधारो थाय ते माटे मिलकत धारको अने नगरपालिकाओना हितने ध्याने राखी सरकार द्वारा विशेष योजना आजादी के अमृत महोत्सव प्रोत्साहक वर्तर योजना दाखल करवानो निर्णय करवामां आव्यो छे। अंकलेश्वर नगरपालिका सभाखंड खाते राज्य सरकारनी प्रोत्साहक वर्तर योजनाना अमल अंगे स्पेशियल जनरल बोर्ड मीटिंग नगरपालिकाना प्रमुख विनयभाई वसावाना अध्यक्षता हेठळ योजाई हती, जेमां शासक पक्ष अने विरोध पक्षना सभ्यो उपस्थित रह्या हता। आ बोर्ड मीटिंग में पालिका द्वारा योजना पूर्वे जरूरी नियम नक्की करी ते नियम अने परिपत्र बोर्ड में मंजूरी मेळवी प्रादेशिक कमिश्नर मंजूरी मेळवी अमल करवामां आवशे। आ योजना में अगाउना वर्षना तमाम प्रकारना वेरानी बाकी रकम 31 मार्च 2022 सुधी में भरपाई करे तो नोटिस फी, व्याज पेनल्टी अने वॉरंट फी में 100% रकम माफ मळशे। तेमज आ योजना हेठळ नाणाकीय वर्ष 2022-23 नी वेरानी रकम तारीख 31 मे 2022 सुधीमां एडवांस भरपाई करवा पर 10% वर्तर मळवापात्र रहेशे। तेमज ई नगरनी मोबाइल एप के ई नगरना ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल मार्फते सदरहू वेरानी रकम 31 मे 2022 सुधीमां भरपाई करवा पर वधु 5% वर्तर मळवापात्र रहेशे। त्यारे मिलकत धारकोने वेरामां राहत माटेना आयोजनने शहरीजनोए आवकार्यो हतो। गुजरात सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहन वर्तर योजना दाखल करवामां आवी छे, त्यारे अंकलेश्वर नगरपालिका द्वारा आजे खास बोर्ड मीटिंग बोलावामां आवी हती। आजादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहन वर्तर योजना ए लोकोने राहत, मध्यम वर्गना लोकोने पण राहत मळशे, तेमज जे एडवांस में टैक्स भरवा वाला लोको छे एमने पण राहत मळे एना माटे आ सरकारनो खूबज सारो निर्णय करवामां आव्यो छे, जेना अनुसंधान में आजे अंकलेश्वर नगरपालिका द्वारा सभाखंड खाते आजे खास बोर्ड मीटिंग बोलावामां आवी हती। आ योजना में 31 चालू वर्ष पहेलाना जे पण लोकोना वेरा बाकी होय ए लोको आ 31/3/2022 सुधी में जो आ वेरानी भरपाई करे तो एमने जे एमना वेरा में जे पण दंड होय, व्याज होय, नोटिस फी होय ए तमाम प्रकारनी जे नोटिस फी अने व्याज ने ए बधा छे एमां 100% राहत आपवामां आवशे। तेमज चालू वर्ष एटले के 2022-23 वर्षनू जे नाणा करवेरा जे लोकोना जेरा वेरा बाकी हशे ए लोको जो 31/5/2022 सुधीमां एडवांस टैक्स भरशे तो एमने 10% राहत आपवामां आवशे। वधुमां जो करदाताओ ई नगरना पोर्टल परथी अने मोबाइल एप ई नगरनी एमांथी पण जो आ वेरानी भरपाई करशे तो वधु 5%
એમને રાહત આપવામાં આવશે. આ રીતના પ્રજાલક્ષી આ નિર્ણયને આજે સર્વસંમતિથી આજે બોર્ડમાં મંજૂરી મળી છે. આના 8 જેટલા નિયમો બનાવી અને સુરત નગરપાલિકાની મ્યુનિસિપલ જે ત્યાં કમિશનરની કચેરી છે ત્યાં મોકલીને ત્યાંથી મંજૂરી મળશે. અને આના માટેના જે નિયમ બનાવેલા છે તેમજ લોકોને બહોળો પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લોકોને જાણકારી આપવા માટે પણ જે પણ કંઈ ખર્ચ થશે તે પણ અહીંયા મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. મિત્રો, આ સરકારના આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત પ્રોત્સાહન વર્તન યોજના આજે મુખ્યમંત્રી દ્વારા જે જાહેર કરવામાં આવી હતી એને સૌ લોકો આવકારે છે અને લોકો આનાથી ખૂબ જ ખુશ છે અને મધ્યમ વર્ગ તેમજ બીજા અન્ય લોકોને પણ આનાથી ગરીબ લોકોને પણ આનો લાભ લેવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે હું સૌ નગરવાસીઓને અપીલ કરું છું કે જે જૂના વેરા હોય એને 31/3 પહેલાં ભરી દો તો આપણે નોટિસ ફી અને વ્યાજમાંથી મુક્તિ મળશે. તેમજ એડવાન્સ જે લોકો વેરા ભરશે એમને 10% અને ઈ પોર્ટલ પરથી વેરા ભરશે તો વધુ 5% પણ આમાં વળતર મળશે, જેથી કરીને વધુમાં વધુ લોકો આ યોજનાનો લાભ લે એવી હું નગરજનોને વિનંતી કરું છું. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ.